हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और पढ़ा है, वह बिल्कुल सही देखा और बिल्कुल सही पढ़ा है। कैसे ग्रिड सप्लाई के कनेक्शन को रिमूव करके एक पैनल से पूरे घर का लोड चलाया जा सकता है और कैसे सोलर पैनल रात में भी एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं, पूरी सच्चाई जानने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आज का यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आंख खोलने वाला हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में आप सच्चाई जानने वाले हैं कि लोग कैसे झूठ का प्रोपगंडा फैलाकर YouTube से मोटी इनकम करते हैं। YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी जिन पर लिखा होता है कि बिना बिजली कनेक्शन के एक सोलर पैनल से अपने पूरे घर का लोड चलाएं। और जब इस प्रकार का झूठा प्रोपगंडा फैलाया जाता है तो अक्सर व्यूअर भी ऐसी वीडियो को बहुत चाव से देखते हैं। इस प्रकार की वीडियो पे 10-10, 20-20 मिलियन व्यू हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ऐसे लोग YouTube से काफी अर्निंग करते हैं और ऐसे लोगों को केवल अर्निंग से मतलब है, उनको किसी प्रकार के झूठ या किसी प्रकार के गलत मैसेज से कोई मतलब नहीं है, केवल इनकम आनी चाहिए। बहुत सारी वीडियो आपने ऐसी भी देखी होंगी कि फ्री एनर्जी जनरेटर, फ्री में बिजली पैदा कीजिए, किसी सोलर पैनल की जरूरत नहीं, किसी बिजली की जरूरत नहीं और किसी भी एनर्जी सोर्सेज की जरूरत नहीं है। इस तरीके के सिस्टम बना रखे हैं जो कि पूरी तरीके से फ्रॉड है। इसकी सच्चाई हमने एक वीडियो में, जो हमारे दूसरे चैनल अरविंद के टैग पर जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बात करते हैं कि एक सोलर पैनल कैसे पूरे घर का लोड चला सकता है। दोस्तों, एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात है जिसको आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं कि एक सामान्य घर जिसमें एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, 3 फैन, 1 कूलर और 4-5 लाइटें होती हैं, जो कि एक सामान्य लोड है जो सभी घरों में चलता है। तो इस प्रकार एक सामान्य लोड को चलाने के लिए हमें प्रतिदिन 10 से 12 यूनिट इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है। और यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा एक फैन प्रतिदिन 1.5 यूनिट कंज्यूम करता है, एक फ्रिज प्रतिदिन 2 यूनिट कंज्यूम करता है, एक कूलर प्रतिदिन 2 यूनिट कंज्यूम करता है और एक वॉशिंग मशीन यदि प्रतिदिन 3 घंटा चलती है तो 1 यूनिट कंज्यूम करती है। और बाकी मिक्सी, प्रेस आदि की बात न करें तो जो लाइटें हम इस्तेमाल करते हैं वह भी तकरीबन 1 से 1.5 यूनिट कंज्यूम कर लेती है। तो एक सामान्य सा आंकड़ा है कि एक सामान्य घर में प्रतिदिन 10 से 12 यूनिट कंज्यूम होती है और एक 100 वाट का सोलर पैनल हमें प्रतिदिन 0.5 यानी आधा यूनिट एनर्जी का जनरेशन करता है, क्योंकि एक 100 वाट का पैनल हमें एक्चुअल में 75 से 80 वाट ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है और पूरे वर्ष का यदि औसत लगाया जाए तो एक सोलर पैनल 5 घंटे ही एनर्जी का जनरेशन करता है और औसत 5 घंटे की धूप में 80 वाट जनरेशन यानी पूरे दिन में 400 वाट एनर्जी का जनरेशन 100 वाट का पैनल कर पाता है। और यदि हम इसको 500 वाट भी मान लें तो एक दिन में एक सोलर पैनल आधा यूनिट का जनरेशन करेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक घर में जहां 10 से 12 यूनिट प्रतिदिन कंज्यूम होती है, वहां यदि इलेक्ट्रिक कनेक्शन कटवा कर केवल सोलर पैनल लगवाए जाए तो हमें कम से कम 2000 वाट सोलर पैनल की वहां पर आवश्यकता पड़ती है। और जहां 2000 वाट सोलर पैनल लगाने हैं वहां हमें कम से कम 2 बैटरी और कम से कम 2500 से 3000 वाट का सोलर इन्वर्टर लगाना ही पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं है, यह पूरा थ्योरिटिकल है, पूरा प्रैक्टिकली है। तो जो लोग कहते हैं कि एक सोलर पैनल से पूरे घर का लोड चलेगा, न तो वह प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं और न ही उनके पास कोई थ्योरी है। YouTube से पैसा कमाने के लिए वह लोग ऐसा करते हैं और व्यूअर को भ्रमित करते हैं। जमीन बेचकर अमीर बनने का यह एक बहुत आसान रास्ता है। अब बात करते हैं कि क्या सोलर पैनल रात में भी बैटरी चार्ज करेगा या एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ऐसी भी बहुत सारी वीडियो YouTube पर पड़ी हैं जिन पर कई कई मिलियन व्यू भी हैं। शर्म आती है ऐसी वीडियो देखकर भी, क्योंकि दोस्तों हमारे प्लेनेट पृथ्वी पर आज जून के महीने 2022 तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा पैनल नहीं है जो बिना सूर्य के प्रकाश के एनर्जी दे सके।
पैनल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, भले ही हम उस पर कोई बल्ब जलाकर प्रकाश डालें, क्योंकि सोलर पैनल केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही बैटरी को चार्ज करते हैं, एनर्जी का जनरेशन करते हैं। जब तक किसी भी सोलर पैनल के ऊपर सूर्य के प्रकाश में आने वाले फोटोन पार्टिकल नहीं पड़ते, तब तक कोई भी सोलर पैनल या उसके अंदर लगा हुआ फोटोसेल एनर्जी का जनरेशन नहीं कर सकता। अब कहां से रात के समय यानी सूर्य की अनुपस्थिति में हम फोटोन पार्टिकल लाएंगे? पृथ्वी पर अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ऐसा पैनल नहीं बना सका जो रात में एनर्जी का जनरेशन करे। और यदि ऐसा हो पाता कि कोई सोलर पैनल रात में एनर्जी जनरेशन कर सकता, तो चाइना सहित और भी कई सारे देशों को अपने सूर्य बनाने की आवश्यकता न पड़ती। तो दोस्तों, किसी के बहकावे में न आए, ऐसा कोई सोलर पैनल नहीं है जो रात में एनर्जी का जनरेशन कर सकता हो। यह केवल पैसा कमाने और कंपनियों के प्रचार के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। जो हमारे व्यूअर विज्ञान में रुचि रखते हैं, फिजिक्स के जानकार हैं, वह इन सभी तथ्यों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। फ्री एनर्जी जनरेटर की सच्चाई क्या है, यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।